एक बार एक व्यक्ति जंगल से होकर गुजर रहा था। उसने एक लोमड़ी को देखा जिसके दो पैर नहीं थे, फिर भी वह बहुत खुश लग रही थी। वह कैसे भी करके कठिनाई से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती थी। लोमड़ी को देखकर आदमी को दया आ रहा था। वह सोचने लगा, यह जंगल में जीवित कैसे है? यह कहीं जाकर शिकार भी नहीं कर सकती और बड़े जानवरों से अभी तक सुरक्षित कैसे बची है? तभी उसने देखा एक शेर अपने दांतों में शिकार दबाए उसकी तरफ आ रहा था। सभी जानवर भागने लगे, वह आदमी भी जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन लोमड़ी नहीं भाग पा रही थी और वह वहीं पर पड़ी रही। उसने देखा शेर उस लोमड़ी के पास आया, उसे अपना भोजन बनाने के जगह पर प्यार से उसने अपने शिकार का थोड़ा सा हिस्सा उसे डालकर चला गया। शेर के वापस चले जाने पर आदमी पेड़ से उतर गया और ज्यादा श्याम हो जाने की वजह से वह घर चला गया और रात भर इस घटना के बारे में सोचता रहा। फिर अगले दिन वह आदमी उसी रास्ते पर गया। दूसरे दिन भी उसने देखा शेर फिर से आया और बड़े प्यार से लोमड़ी को अपने शिकार का थोड़ा सा हिस्सा देकर चला गया। आदमी ने इस अद्भुत लीला के लिए भगवान से शुक्रिया किया। उसे एहसास हो गया कि ऊपर वाला जिसे पैदा करता है उसके रोटी का भी जुगाड़ कर देता है। यह सब देखने के बाद वह एक जंगल में चला गया और एक जगह पर जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि ऊपर वाले जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देते हैं, वह मेरे लिए भी कोई ना कोई इंतजाम कर देंगे। कई दिन गुजरने के बाद भी कोई नहीं आया। अब वह भूख से कमजोर हो चुका था। अब अगर उसे खाने को कुछ नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती थी। आखिरकार वह अपने घर जाने के लिए सोच ही रहा था तभी उसे एक सन्यासी मिले। उन्होंने उसे भोजन कराया और पीने के लिए पानी दिया। वह आदमी उनके चरणों में गिरकर बहुत ही धन्यवाद किया और फिर लोमड़ी की बातें बताते हुए कहा, महाराज, भगवान ने उस अपंग लोमड़ी पर दया दिखाई पर मैं तो मरते मरते बचा। भगवान ने मुझ पर दया क्यों नहीं दिखाई? महाराज ने उसके सर पर हाथ फिरोया और मुस्कुरा कर कहा, तुम इतने नासमझ हो गए हो कि भगवान का तुम्हें इशारा भी नहीं समझ में आ रहा, इसलिए तुम्हें इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज तुम मरते मरते बच गए। उन्होंने जो किया क्यों नहीं समझते? भगवान तुम्हें उस शेर की तरह मदद करने वाला बनता देखना चाहते थे, उस लाचार लोमड़ी की तरह नहीं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसका उल्टा समझ लेते हैं। भगवान ने हमें कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ दी हैं जो हमें कुछ न कुछ बना सकती हैं। चुनना हमें है, हमें शेर बनना है या लोमड़ी।